प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो मैं और मेरा कोलीग इम्तियाज़ आए हुए हैं आप लोगों को एक ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जो कि अभी जो है ना नापेद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, और इसका एक हिस्ट्री है जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला था। इसलिए हम लोग काफ़ी सफ़र करने के बाद हम लोग इस टॉप साइड पर आए हुए हैं। तो हमारा गाँव उस साइड पर है, हम लोग उससे तकरीबन आधे घंटे के सफ़र करने के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये वो एरिया है जहाँ पर हमारे आबा व अजदाद रहते थे। तो ये जो है ना घरबार है उनका, और उस वक़्त का जो घरबार है वो बड़े बड़े पत्थरों से चुनाई किया हुआ होता था, और पूरे जो है ना पत्थर से और छोटे छोटे बनाए हुए थे। तो यहाँ पर जब हमारे आबा व अजदाद आए थे तो वो सारे जो है ना गैर मुस्लिम थे, और वो लोग तिब्बत और इंडिया साइड से आए थे। तो ये देख सकते हैं, ये भी एक छोटा सा घर है। तो उस वक्त जो है ना तकरीबन 9 से 10 फैमिली यहाँ पर रहते थे। अभी जो है ना बनिस्बत उस दौर के अभी माशाल्लाह से जो है ना काफ़ी हमारे आबादी हो चुकी है, जो कि हमारे गांव साइड पे रहते हैं। इस साइड पे आप देख सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा घर बार दिख रहा होगा, तो उसे कहते हैं गोमा। और ये वो एरिया है जहाँ पर हमारे आबा व अजदाद यहाँ पर इस साइड पर रहते थे, ये देख लें। तो यहाँ पर तकरीबन सिर्फ 9 से 10 जो है ना फैमिली थे, उसके बाद जो है ना आबादी बढ़ती चली गई। और उस वक़्त के जो हमारे आबा व अजदाद थे वो पूरा गैर मुस्लिम थे, बुतों की पूजा करते थे, और उनका जो है ना खाना पीना वो सब जो है ना जंगली जो मारखोर होते थे उनका शिकार करना, और यहाँ पर जो है ना खेती बाड़ी करके उनका जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो सारे जो है ना यहाँ से खुद हासिल करके वो लोग खाते थे। मतलब अजीब तरीके से उनको दफनाया हुआ है। ये हमारे कुछ आबा व अजदाद थे जो कि मुस्लिम रहे हैं, तो उनके जो है ना ये सारे कब्रिस्तान हैं, ये देख सकते हैं। और कुछ ऐसे कब्र भी हैं जो कि उल्टा लगाए हुए हैं, जो कि मतलब मुसलमान ऐसे नहीं लगाते हैं। तो आफ्टर जो है ना अमीर कबीर जब यहाँ पर आए और तबलीग की, फिर हम लोग मुसलमान हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी तक हम लोग मुसलमान हैं। उससे पहले का जो दौर था उसमें पूरा जो है ना गैर मुस्लिम थे। कई साल लोगों को और एक जो है ना स्टोरी बता दूँ तो है ना, आबादी हुआ करता था और यहाँ पर खेती बाड़ी भी किया जाता था। तकरीबन 25 साल पहले जो है ना यहाँ से जो है ना पानी, ये जो है ना एक ग्लेशियर है ऊपर साइड पे, तो वहाँ से पानी पिघल के आने की वजह से जो है ना ये जितने भी फ्लड जो है ना ये आए थे। और हमारे उस साइड पे कुछ घर बार हैं वो भी उसके जद में आके जो है ना वहाँ पे दबे हुए हैं। सो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। सो अभी हम लोग को ऊपर साइड पे आए हुए हैं, ये देख सकते हैं बहुत ही ख़तरनाक डेंजर एरिया है ये। तो गाइस ये वो एरिया है जहाँ पर जो है ना घर दब गया था, और ये देख सकते हैं फ्लड यहाँ तक भी आया हुआ था। और ये जो है ना बाद में हमारे एक आदमी ने बनाया है, और नीचे मस्जिद है, उसकी वजह से जो है ना फ्लड वहाँ से आके यहाँ पर रुकी है, और जिसकी मर्तबे की वजह से जो है ना यहाँ तक आके जो है ना फ्लड रुकी है। ये देख सकते हैं ये घर है, इसको भी लगी थी, लेकिन सिर्फ पानी जो है ना मस्जिद के साइड पे गए और मस्जिद को कुछ नहीं हुआ। तो ये हमारा मस्जिद है, ये देख लें, यहाँ पर एक दबा हुआ घर है। ये जो है ना अभी हमें इस सुरंग से नज़र आता है, लेकिन अभी मैं कैमरा लेके जाऊँ तो आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी अंधेरा है। ये देख सकते हैं ये जो है ना छत का लकड़ी है, हमारे यहाँ पे जो है ना छत से जो है ना छत को लकड़ी से बनाया जाता है, और ये पूरा एरिया जो है ना उस वहाँ से जो है ना फ्लड आने की वजह से दब गए। तो ये देख सकते हैं, तो पहले जो है ना इस साइड पे भी लोग रहते थे। तो ये भी एक पुराना सा घर है जो कि अभी टूट के जो है ना खस्ताहाली का शिकार है। ये कुछ यहाँ पर अभी भी जो है ना सही सलामत है, ये देख सकते हैं, ये काफ़ी पुराना घर है। तो ये देख सकते हैं ये है हमारा मस्जिद, और ये वो पुराना घर बार। तो अभी इस साइड पे कोई भी नहीं रहता, सिर्फ मस्जिद है, तो यहाँ पर नमाज़ के लिए आते हैं, और बाकी जितने भी यहाँ पर रिहायशी थे वो सारे दूसरे साइड पे शिफ्ट हुए हैं। ये देख लें उस वक्त का पुराना घर,
ये देख सकते हैं इस तरह से जो है ना घर बाहर नीचे बनाया हुआ होता था।